हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपने काम में बिज़ी हूँ। तो सबसे पहले हम नहा धो के और अपनी पूजा पाठ करके हम अपने किचन में आ गए हैं और आज हमारे रसोई घर में पक रहा है आलू और परवल की लिपटेमा वाली सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। और अगर आप नॉर्मल तरीके से बनाते हैं तो आप एक बार इस तरह से बना के देखिए, यकीन मानिए आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमारे आलू और परवल को हम इसमें फ्राई कर लेंगे, बस ज़्यादा नहीं। इसमें हल्का सा ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। इसके बाद हमारा जो बचा हुआ तेल था, क्योंकि जब हम फ्राई करेंगे तो ज़्यादा तेल में करेंगे, इसके बाद बस 2 चम्मच तेल छोड़ना है, क्योंकि हमारे आलू और परवल फ्राई हैं तो उसको ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं होगी। बस उतने तेल की ज़रूरत है कि जिसमें हमारा हींग जीरा पक जाए, इसके अलावा जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसके बाद हम अपने घर के मसाले डाल लेंगे, जिसमें हमारा धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, इस तरह के मसालों को डाल देंगे। इसके बाद हमारे फ्राई हुई करी हुई सब्ज़ी और साथ में नमक डाल देंगे और हल्का सा पानी डाल देंगे। वो इसलिए कि अगर जैसे हमारा जो सब्ज़ी फ्राई है अगर वो पकी नहीं हो तो इस तरह से पानी डालने से वो हल्की पक जाती है। और साथ ही मैंने आटा भी मार लिया है। वैसे मैं अभी सिर्फ गाय की बनाऊंगी और अपने लिए 1 रोटी बनाऊंगी, क्योंकि अभी मम्मी गई हुई है हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी को CGS से दवा भी मिलती है और उनकी एक आंख में हो रहा है मोतियाबिंद, जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन कराने के लिए परमिशन चाहिए, जो कि हमें CGS से ही मिलती है। क्योंकि हमारे पापा जो थे वो OFC में काम करते थे, जिसकी वजह से हमें हमारी वो मम्मी की पेंशन भी वहीं से आती है और जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो हमें CGS के थ्रू ही मिलती हैं, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। तो मम्मी वहीं गई हैं और उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मम्मी हल्का फुल्का नाश्ता कर गई थी, दालमोठ वगैरह, तो इसलिए जब वो आएंगी तभी मैं चाय बनाऊंगी और दोबारा खाना जो हमारा बनेगा वो बनाऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने अपने लिए 1 रोटी सेक ली है और 1 रोटी गाय के लिए भी सेक ली है। हमारा काम जो है तब तक काफ़ी हद तक फिनिश हो जाएगा, बस मुझे चाय बनानी और बाद में सबके लिए साथ में रोटी सेकनी होगी। और मैंने गाय की भी निकाल दी है और हमारी रोटी भी एक सिक गई है। इस तरह की सब्जियों में थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और वैसे भी हमारी जो सब्ज़ी है ना थोड़ी सी लिपटेमा है, तो उसमें ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा इसका। देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और इसके साथ ही मैंने अपना जो यहाँ का काम बचा था, हमारा गैस साफ़ करना और बर्तन वगैरह जो थे वो भी मैंने सारा फिनिश कर लिया है। क्योंकि हमारी मम्मी कहती हैं कि किचन में बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं वो अच्छे नहीं लगते। मम्मी ने भी शुरुआत से ही जब काम किया था, जब हम लोग काफ़ी छोटे थे, तो वो भी अपना सारा काम ऐसे ही ख़त्म कर लेती थी। मम्मी बताती हैं कि पापा जाते थे सुबह 7:30 बजे फैक्ट्री, क्योंकि उनका कभी नाइट ड्यूटी होती थी कभी डे में होती थी, तो मम्मी पूरा ही खाना बना के देखती थी। इसके बाद वो अपने काम से पूरा फ्री हो जाती थी, पूरा काम ख़त्म कर लेती थी। और इसके साथ ही आज हमारी जो काम वाली आती थी, जो पोछा सेफ लगाती थी, उन्होंने भी छुट्टी ले ली है। छुट्टी क्या ले ली है, आई थिंक वो परमानेंट ही जाएंगी अब, क्योंकि उन्होंने कहीं और काम पकड़ लिया जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। वो पहले से हमको बताया था, उन्होंने हिंट दिया था, लेकिन ये नहीं पता था वो इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएंगी। बस हाथरस से आए हुए हमें 2nd डे हुआ है, हमें नहीं पता था हमारा जो काम है वो इतना बढ़ने वाला है। और भैया भाभी गए हुए हैं, भाभी के मायके में था सुंदरकांड का पाठ, तो वो लोग वहाँ गए हैं और मेरा काम का प्रेशर जो एकदम डबल हो गया है, और कब तक डबल रहेगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये है, घर को तो साफ़ करने की जिम्मेदारी घर वालों की होती है, तो इसलिए मैं फिर वही निभा रही हूँ। और अपना हॉल का पोर्शन जो है वो पूरा मैंने कवर कर लिया है। ये काम मैंने दोपहर में किया था, क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम हर चीज़ मैनेज कर पाएँ, क्योंकि सुबह झाड़ू लगा के और फिर नहाना धोना हो जाता है और बाकी चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने ये दोपहर में काम किया था। अपना हॉल का काम किया, हॉल में पोछा लगाया और मुझे पानी चेंज करने के लिए बाहर बार बार जाना पड़ रहा था, क्योंकि जो हमारी बाल्टी थी इसकी वो बाहर ही रखी थी, क्योंकि बाहर नल लगा हुआ है, वहीं पर मैंने छोड़ दिया था। और इसके बाद देखने के बाद रूम की रौनक ही बिल्कुल अलग थी। मैं डेली तो नहीं लगा पाऊँगी, लेकिन हाँ, हालांकि 1 से 2 दिन बाद मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि मैं इस तरह के पूरा कंप्लीट कर लूँ।
यहाँ पर पहुँचा 2 दिन बाद लगा था तो काफ़ी गंदगी हो गई थी। इससे पहले ये घर बंद पड़ा था क्योंकि जब हम लोग दीदी के यहाँ गए हुए थे तब भी उस बीच यहाँ पर पहुँचा नहीं लग पाया तो गंदगी भी काफ़ी हो गई थी और 2 दिन फिर बंद रहा, मतलब कि पहुँचने वाली आई नहीं तो उसकी वजह से भी काफ़ी धूल मिट्टी हो गई थी। इसमें काफ़ी धूल चल भी रही है तो मुझे यही लगा कि हाँ अब मैं डेली नहीं लगा सकती, कम से कम 1 दिन पीछे तो लगा ही सकती हूँ। और दोपहर का टाइम मेरे ख्याल से काफ़ी सही रहता है क्योंकि इस समय बॉयज़ वगैरह जो हमारे यहाँ ऊपर रहते हैं उनका आना जाना भी कम होता है और धूप भी तेज़ होती है तो बहुत जल्दी सूख जाएगा, इसलिए मैंने ये दोपहर के बाद ही लगाया था पहुँचा। इसके बाद टाइम आता है हमारा शाम का जिसमें हमारा मीठा खाने का बहुत मन कर रहा था तो सोचा कि कुछ बना लिया जाए। देखा तो फिर मैं थोड़ा सा कद्दू पड़ा था तो हमने उसी को कद्दूकस करा और उसका हम बनाने जा रहे हैं हलवा। हालांकि मैंने कई बार बनाया हुआ है लेकिन मुझे लगा इस बार ये रिकॉर्ड करके देखा जाए क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि किस तरह से बनता है तो मैंने इसकी भी फिलहाल रिकॉर्डिंग की ही है। तो हमने सबसे पहले कद्दू को घी में फ्राई कर लिया है, इसके साथ ही हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे ताकि हमारा जो कद्दू है वो सॉफ्ट हो जाएगा और पानी छोड़ देगा। और इसमें मैंने 2 इलायची जो है उसको कूट के दरदरा कर लिया था। और इसके बाद आप जो ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें आप उसे डाल सकते हैं जैसे वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसके अलावा बहुत से लोग इसमें दूध भी डालते हैं, आप चाहें तो दूध डाल सकते हैं लेकिन इसकी क्वांटिटी फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये खाना सिर्फ हम दोनों लोग को है क्योंकि हमारे यहाँ अगर कुछ नई चीज़ बनाते हैं ना तो हमारे यहाँ घर वाले जल्दी खाते नहीं हैं। और इसी के साथ मैंने शाम की चाय भी बना ली थी क्योंकि चाय के बिना तो हमारा सर जो है ना बहुत दुखने लगता है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है तो इसलिए हमने शाम की चाय भी चढ़ा दी है। और देखिए हमारा 5 मिनट में हलवा बनके बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी बना था। अगर दूध डालेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है लेकिन बस यही है हमें क्वांटिटी का की वजह से हमने इसमें दूध वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, हमने नॉर्मल तरीके से बनाया है जो कि काफ़ी अच्छा था। और इसके बाद आता है रात का टाइम क्योंकि रात में तो जानते हैं ना जब 2 लोग हों तो फिर कुछ बनाने का भी मन नहीं करता है, इसलिए चटर पटर के चक्कर में हमने सिर्फ मार्केट बाहर ही आता है बताशे वाला, हमने वही बताशे लिए और 1 पैकेट अपने लिए बनाई मैगी। एक्चुअली चाउमीन इतनी बनती है ना कि उसी का याद रहता है, तो हमने बनाई मैगी और बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।